नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्नगी के श्राप से मधुर कैसा जला। अगर देखा जाए कन्नगी और कोवलन की कथा शिल्पादिक्रम में दर्ज, जिसके लेखक इलंगो अडिकल हैं। एक धनाढ्य व्यवसायी का पुत्र कोवलन अपनी पत्नी कन्नगी के साथ प्रसन्नता पूर्वक पुहार यानी कावेरी पट्टनम में रहता था। कोवलन माधवी नामक एक नगर वधु के प्रेम जाल में फंस गया तथा उसने अपनी पत्नी कन्नगी का परित्याग कर दिया, कन्नगी को छोड़ देता है। बाद में माधवी द्वारा ठुकराए जाने पर कंगाली की हालात में पुनः कन्नगी के पास लौट आया। उसका हालात एकदम कंगाल हो गया था, कौन? कोवलन। उस समय कन्नगी के पास मात्र सोने के पायलों का एक जोड़ा ही शेष बचा था। उसके पश्चात दोनों काबुंडी नामक एक जैन भिक्षुणी के साथ पांड्यों की राजधानी मदुरे आ गए। दुर्भाग्यवश कोवलन को पांड्य रानी के पायल चुराने के आरोप में कारावास दे दिया गया, क्योंकि चोरी हुआ पायल कन्नगी के पायल के समान ही था। पांड्य शासक नेडुनजेलियन ने कोवलन को फांसी दे दी। उसके पश्चात कन्नगी ने अपने पायल के दूसरे जोड़े को दिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि रानी के पायल में मोती जड़े थे, जबकि कन्नगी के पायल में मणिक। राजा को आत्मग्लानि हुई तथा उसने अपने प्राण त्याग दिए। कन्नगी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपना बाया हाथ उखाड़ डाला और मदुरे उसके श्राप के कारण जलकर नष्ट हो गया, और पश्चात वह चेर रात चली गई तथा मृत्यु के पश्चात वह तमिल समाज में सतीत्व की देवी के रूप में पूजित हुई। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं एक सती के रूप में जो कन्नगी थी, अपने पति के प्राण, जब उसके पति का प्राण खत्म नष्ट हो जाता है तो उसने अपने जीवन को परित्याग कर दिया। कन्नगी भी एक सती की तरह ही अपना जीवन को त्याग देती है, और इसलिए शिल्पादिक्रम में इन दोनों की कथा सुमार है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।